12 फरवरी को ढाट मिश्री समाज के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए थे। निर्विरोध चुनाव के बाद नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को समाज भवन में आयोजित हुआ। समारोह में चुनाव अधिकारियों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष गौतम राठी व अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। बीते 12 फरवरी को ढाट महेश्वरी समाज की कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध रूप से किया गया था। रविवार की रोज ढाट महेश्वरी समाज पंचायत भवन में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पंचायत भवन संख्या 2 में रखा गया। 12 फरवरी को चुनाव अधिकारी सुरेश शारदा, मुकेश केला, नमीचंद शारदा के द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित करवाया गया था। इन्हीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को रविवार को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में गौतम राष्ट्रीय को अध्यक्ष, प्रभुलाल लाठी को उपाध्यक्ष, सवाई महेश्वरी को सचिव, सुरेश साहित्य को कोषाध्यक्ष और भरत शारदा को सह सचिव बनाया गया। वहीं ढाट महेश्वरी समाज की कार्यकारिणी में बतौर कार्यकारिणी सदस्य किशोर लद्धड़, किशोर राठी, श्रवण शारदा, दिलीप चंद्र, विनोद राठी, राजेश राठी, लक्ष्मीनारायण राठी, दिलीप शारदा और भुवनेश राठी को बतौर कार्यकारिणी सदस्य शपथ दिलाई गई। निष्ठा, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से सेवा करते हुए अपने कर्तव्य को निर्वहन करूंगा। प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं, परंपराओं। नवीन कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। वहीं शपथ ग्रहण के बाद समाज के गणमान्य लोगों ने अध्यक्ष सहित नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों को शाफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिव एडवोकेट सवाई महेश्वरी ने किया।